हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, आज पहला मैच होने वाला है आईपीएल 2018 का। तो पहला मैच है मुंबई वर्सेस सीएसके बीच में। तो सीएसके के बीच में और मुंबई के बीच में जो मैच है, ये मैच वानखेड़े में होने वाला है। और इस मैच का जो है, मैंने ड्रीम इलेवन टीम ऑलरेडी मैंने चैनल पर जो है अपलोड कर दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो इस मैच में सिर्फ कुछ चेंजेस है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो कंफर्म, लगभग कंफर्म प्लेइंग एलेवन मैं आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। और अभी तक अपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं पहले मुंबई के प्लेइंग एलेवन के बारे में। तो मुंबई के प्लेइंग एलेवन पे जो रोहित शर्मा है, वो मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग कर सकते हैं। तो इवन लुइस और ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, उसके बाद रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव फिनिशिंग, कुणाल पांड्या हालांकि थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आएंगे, उसके बाद है किरण पॉलर, हार्दिक पांड्या। और यहीं पे जो थोड़ा बहुत आपसे डाउट शुरू होता है इस सेक्शन पे, दो बॉलिंग जो है बहुत सारे ऑप्शन है, स्कोर इतना बड़ा है तो बॉलिंग ऑप्शन जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर डोमेस्टिक बॉलर की बात करें तो यहाँ पे दीपक चहर या फिर जो है प्रदीप सांगवान खेल सकते हैं, क्योंकि इनका जो है रणजी ट्रॉफी बहुत ही अच्छा था और इनका लोकल क्रिकेट में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है। और बात करते हैं एक जो ओवरसीज़ प्लेयर का स्कॉट है, वहाँ पर बेन कटिंग, पैट कमिंसन के खेलने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आज वो लैंड हुए हैं और प्रैक्टिस सेशन भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। वहीं पे मिशेल मैकग्रिगन और अखिला जनरेंजे खेल सकते हैं। तो इन चारों की जगह सिर्फ और सिर्फ एक बैटिंग खेल सकते हैं। तो अगर आप मेरी माने तो मेरे हिसाब से जो है अखिला धनंजय खेल सकते हैं, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हो इस टीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है स्पिनर है, वो है सिर्फ कुणाल पांड्या जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो अगर अखिला धनंजय खेलते हैं तो टीम को थोड़ा बैलेंस मिल सकता है। तो फ्रेंड, वहीं पे सबसे ज़्यादा, इसके अलावा सबसे ज़्यादा चांसेस जो लग रहे हैं वो मैकग्रिगन या फिर बेन कटिंग में से खेल सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास जो है बुमराह और मुस्तफिजुर रहीम जो है लगभग लगभग कन्फर्म है पहले मैच के लिए। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं सीएसके के प्लेइंग एलेवन के बारे में। तो सीएसके के प्लेइंग एलेवन पे यहाँ पे राइडू को खेलने के चांसेस जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुरली विजय ओपनिंग करेंगे। तो मुरली विजय, सैम वॉटसन, सुरेश रैना, सैम बिलिंग, क्योंकि फाफ डी प्लेसिस जो है इंजर हो चुके हैं, तो उनकी जगह जो है सैम बिलिंग एज अ नंबर फोर या फाइव पे बैटिंग करेंगे। एम एस धोनी ज़्यादा ऊपर आएंगे बैटिंग करने को, वहीं पे केदार यादव, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, हरभजन सिंह, या फिर आप हरभजन सिंह की जगह जो है कान शर्मा को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एज अ ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में आई थिंक हरभजन सिंह ज़्यादा अच्छे रहेंगे। वहीं पे शार्दुल ठाकुर एंड मार्कुड या इंगिडी में से कोई एक खेलेगा। तो लगभग लगभग कंफर्म प्लेइंग एलेवन मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तीन जगह में जो है तीन जो प्लेस पे है वो ही डाउट है, अदरवाइज जो प्लेइंग एलेवन है वो कंफर्म है। और बाकी जो रहा टीम के बारे में, तो मैंने टीम ऑलरेडी जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर दे दिया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत आप लोगों को दिख रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बात कर लेते हैं क्रिक बस की एक बार। तो क्रिक बस के अगर हम लोग माने तो क्रिक बस में जो है उन्होंने भी जो है सॉरी मेरा नेट कनेक्शन अभी ऑफ है। तो क्रिक बस आप लोग तो देखते ही होंगे, वहाँ पे भी आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं लगता अराउंड 70% वहाँ पे जो प्लेइंग एलेवन है वो खेलेंगे, 30% जो है गलत दिया हुआ है क्रिक बस पे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।